ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಐಟಿಯು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ಆದೇಶ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲದೇ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇವತ್ತು 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇನು ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಐಟಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ 8 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ 60 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು 12 ಗಂಟೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಇವತ್ತು 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಸಾಯಿವಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಸಿಐಟಿನಿಂದ ಇಡೀ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಸರ್. ಶಾಂತಾ ಗಂಟೆ, ಸಿಐಟಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಏಕ ಬಿಲ್ ಲಾಯಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೇ 9 ಗಂಟೆ ಜೊ ಕಾಮ ಕಾ ಸಮಯ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ 12 ಗಂಟೆ ಬಡಾ ದಿಯೆ ಔರ್ ಜೊ ಔರ್ ಏಕ ಬಹುತ್ ಹಿ ಖತರ್ನಾಕ್ ಏಕ ಚೀಜ್ ಉಸ್ಮೇ ಹೈ ಕಿ ಮಹಿಳಾಓಂ ಕೋ ಲೇಡೀಸ್ ಕೋ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ ಕೆ ಪಾಲಿ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉನ್ಕೋ ಕಾನೂನ್ ಮಿಲಾ ಹೈ. इनको शर्म आना चाहिए. ये जो BJP सरकार है राज्य में और केंद्र में, इन्होंने जब से 2014 में ये देश में सत्ता में आया मोदी सरकार, लगातार ये मजदूर और किसानों का खिलाफ में कानून ला रहा है. उसके चलते हुए आज इनको मालूम होना चाहिए ये 8 घंटे का जो कानून है ये ऐसी नहीं आया. 8 घंटे काम करने का कानून तो बहुत दिन से लड़के इस दुनिया के मजदूर लड़के अपना जो है शहादत दे के इस कानून को लाया गया. 1890 में शिकागो में हे मार्केट में बहुत बड़ा वहाँ पर एक मीटिंग हुआ, जहाँ पर अमेरिका में उस समय में वहाँ के मजदूर ना सूरज नहीं देख सकते क्योंकि 16 घंटा 18 घंटा उनको एक किया जाता था. उसके खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ वहाँ पर शिकागो ए मार्केट में. पुलिसों ने अपने लोगों से पत्थर मरा के उनके ऊपर गोली चलाए, कई लोग उसमें शहीद हो गए. ये इतिहास है. उसके बाद में 8 घंटे का ये कानून आ गया है. करीब 150 साल से चल रहा है, लेकिन ये 2014 में जो मोदी सरकार आया यहाँ पर, ये पूरे इसको जो मजदूरों का जितना भी सुरक्षा के लिए कानून है सबको उनको निकालने के लिए, जो 44 हमारे कानून हैं हमारे रक्षा के लिए, सभी कानूनों को निकाल के अब उन्होंने 4 कोड बना दिए. जैसे किसानों के लिए 3 कानून लाए थे, वैसे ही ये मजदूरों के लिए जो है ना 4 कानून ला के पूरे उनको ख़त्म करने का साजिश चल रहा है. उसके चलते अब बम्बई सरकार पर से जो एक कानून लाया है 9 घंटे से 12 घंटे काम करने का और लेडीज़ को रात पाली काम करने का इन्होंने कानून लाया है, इसके खिलाफ में CIT में एक बहुत बड़ा पूरा देश में एक बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ा है. आज पूरे कर्नाटक में CIT इस सरकार के मजदूर विरोधी किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ में पूरे कर्नाटक में हम लोग इसके खिलाफ में हम अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं. इसके वजह से इसके चलते हुए हमने इसे ये आग्रह कर रहा है मुंबई सरकार से, ये जो काला कानून है ये दोनों काला कानून वापस ले लेना और याद रख लेना. कुछ ही दिनों में
कर्नाटक असेंबली इलेक्शन होने वाली है, आपको कुछ भी अगर अक्ल है तो एटलीस्ट ये इलेक्शन के टाइम में तो आप दिखाने के लिए तो एक मजदूर किसान के जो है उनका पापा उनके अच्छे के लिए उनका अच्छाई के लिए कानून लाना चाहिए, बुराई के लिए कानून नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये पागल है, ये लोग जो है ना बहुत घमंड आ गए जो है इनको सत्ता में आने के बाद। हर जो है मजदूर और किसान के खिलाफ में इन्होंने रोज करते रहते। याद रखो आने वाले इलेक्शन में अगर ऐसे आप चलते रहे तो आपका जो मेजॉरिटी 50 से नीचे आएगा और आपको मिट्टी में मिला दिए जाएंगे इससे इस कर्नाटक के जो किसान और मजदूर है। इसलिए हम उनको ये जो आज के प्रोटेस्ट के थ्रू उनको वार्निंग दे रहे हैं, ये जो आपने बिल लाया है इसको तुरंत वापस ले ले, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, आपको मिट्टी में मिला देंगे मजदूर लोग बोल के इस चल रहा है आज का जो हमारा प्रोटेस्ट। MB सचिन जनरल सेक्रेटरी CITU कलबुर्गी।